आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में हमने जो है छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में चर्चा किया था, जिसमें हमने संभाग का आपको विस्तृत विवरण जो है प्रदान कर दिया है। साथ ही साथ टेलीग्राम में जो है नोट्स अपलोड कर दिया गया है। आप जो है इस क्लास का जो कल हो चुका है वीडियो और इसका नोट्स आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जो है छत्तीसगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट या जिले हैं उस जिलों पर अपने को क्या करना है, आज विस्तृत चर्चा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के जिलों को बारीकी से पढ़ना। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है इस जिले वाले टॉपिक में आप याद रखें, जो जिला का टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत मुख्यतः आपको तीन बातें याद रखना है। एक, जिला क्या होता है। दूसरा, हम देखेंगे इसका करेंट पोजीशन क्या है। और तीसरा, इन जिलों का अस्तित्व या गठन कैसे, कब और किस प्रकार से हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप यही जानें कि जिला क्या होता है। तो जिला जो है संभाग के अंतर्गत, एक प्रशासनिक इकाई होता है। और इस प्रशासनिक इकाई का जो संयोजन है वो तहसीलों से मिलकर होगा, तहसील से बनकर जिला बनता है। तीसरी बात याद रखें, इस जिला का जो प्रमुख होता है उसको जिलाधीश या कलेक्टर कहते हैं। आपने सुना ही होगा, क्या आपको पता है कि इस कलेक्टर के पद को किसने लेकर आया? तो भारतीय इतिहास में एक गवर्नर जनरल हुए, वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने अपने टाइम पीरियड के समय कलेक्टर के पद को सृजित किया था। ठीक, इस कलेक्टर साहब को हम डीएम कहते हैं, ये आपने सुना ही होगा। डीएम इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिला दंडाधिकारी। इसके पास जो है जिला प्रशासन से संबंधित सारे मजिस्ट्रेट के जो कार्य होते हैं वो उसको सौंपे जाते हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। यह जो है एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है या फिर राज्य सेवा में चयनित डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं वो भी प्रमोट होकर जिला कलेक्टर का भार जो है प्रभार संभाल सकते हैं। यदि अभी करंट सिनारियों में देखा जाए, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं आज की स्थिति में, 33 डिस्ट्रिक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और ये जो छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 0 से लेकर के 33 तक कैसे पहुंचे, इसको पढ़ने के लिए अपने को इसका ऐतिहासिक परिदृश्य या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे 0 से लेकर के 33 तक हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचा। तो इसे आप नाम दे सकते हैं जिला गठन का इतिहास, जिला गठन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन। जिला गठन का जो सिलसिला है वो 1861 से प्रारंभ होगा। कब? 1861। और ये सिलसिला अभी थम ही नहीं रहा है, फिलहाल आप 2022 तक लेकर चले। 1861 से लेकर के 2022 का जो समय है इसे आप अलग अलग 4 चरणों में डिवाइड कर दो ताकि आपको याद करने में एकदम आसान हो। सबसे पहला जो पीरियड रहेगा वो 1861 से लेकर के 1947 या भारत की आजादी तक रहेगा। भारत के आजादी के बाद से लेकर के दूसरा चरण मध्य प्रदेश के गठन तक आप देखें, तीसरा चरण आप मध्य प्रदेश के गठन के बाद से लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के गठन तक देखें, और चौथा चरण जो है आप 2000 के बाद से लेकर के वर्तमान तक देखें। इन 4 अलग अलग चरणों में जब आप जिला गठन को देखेंगे
तो ये जो है आपको लॉन्ग पीरियड तक याद रहेगा, और हमेशा इस कॉन्सेप्ट के साथ इन चीजों को आप नहीं भूलेंगे कि जिला कब बना, कैसे बना और किस प्रकार इसको बनाया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिला गठन का पहला चरण। जिला गठन का पहला चरण 1861 से स्टार्ट होगा और 1947 तक चलेगा, 1861 से लेकर के 1947 तक। इस पीरियड में सबसे पहले आपको याद रखना है 1861 के बाद आप याद रखेंगे 1905, और 1905 के बाद आपको याद रखना है 1906। जिले से संबंधित तीन कार्य जो है इन तीन सन में आपको देखने को मिलेगा। 1861 को देखने से पहले आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। हुआ यूं कि 1854 के आसपास हमारा छत्तीसगढ़ जो है नागपुर के अंतर्गत एक क्षेत्र था, नागपुर के अंतर्गत आता था, और इस नागपुर क्षेत्र में जो राजा थे रघुजी, उनका कोई पुत्र संतान नहीं था, और पुत्र संतान जब नहीं था तो इन्होंने गोद लेने के लिए सोचा। और इसी समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने एक नीति लेकर आया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति, और इस डलहौजी के नीति से गोद प्रथा को निषेध कर दिया था, मना कर दिया गया था, जिसके कारण नागपुर के राजा गोद नहीं ले सके और नागपुर का विलय जो है छत्तीसगढ़ के साथ ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। अब ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया यानी कि इसमें प्रशासनिक सुधार अब अंग्रेज करेंगे। इन्होंने 2 नवंबर 1861 को एक प्रांत का गठन किया जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसमें जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र शामिल थे। इतने बड़े क्षेत्र में प्रशासन करना एक डिप्टी कमिश्नर के लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इस क्षेत्र में पहली बार 1861 में जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया। डिस्ट्रिक्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1861 इन दिस एरिया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इस समय जो है पूरे क्षेत्र में बहुत जिले बनाए गए, क्योंकि हमें फोकस करना है छत्तीसगढ़ पर, इसलिए याद रखें छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 1861 में 3 जिले बनाए गए। एक बार बोलूंगा ना नाम याद होना चाहिए, ठीक है। पहला था रायपुर, दूसरा बनाया गया बिलासपुर, और तीसरा बना आपका संबलपुर। ये 3 जिले जो है 1861 को गठित किए गए। आप ध्यान रखें इन दैट टाइम संबलपुर वास द रीजन ऑफ अवर छत्तीसगढ़। ओके, हमारे छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र था। आगे बात करें 1861 में जो 3 जिले बने कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसमें जो है 1905 में जिलों को लेकर एक परिवर्तन देखने को मिला। 1905 वाज फेमस फॉर बंगाल डिवीजन, बंगाल विभाजन के लिए यह जो सन है वो बहुत फेमस है। इस बंगाल विभाजन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ा। जो संबलपुर एरिया था, इस संबलपुर एरिया को हमने ओडिशा क्षेत्र में शामिल कर दिया। इस प्रकार 1905 की स्थिति में हमारे पास 2 ही जिले बचे, एक आपका रायपुर और दूसरा हमारा बिलासपुर। ठीक, ये 2 जिले बने कब, 1905 में ये बचे थे। इसके पश्चात जो है इन्हीं दोनों की सीमाओं पर, जैसे कि ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक, इस छत्तीसगढ़ में नीचे बस्तर ऊपर सरगुजा, बीच का जो क्षेत्र है ये आपका बिलासपुर और ये रायपुर 1905 की स्थिति में। इन दोनों के संयोजन से एक तीसरा जिला बनाया गया जिसका नाम था दुर्ग, यानी कि दुर्ग जिला का गठन बिलासपुर और रायपुर से हुआ है
और 1906 में हुआ है। इस प्रकार दुर्ग हमारे क्षेत्र का तीसरा जिला बना। ठीक, ओके। इसके पश्चात जो है 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत जो है जब आजाद हुआ तो इस आजादी के समय, इंडिपेंडेंस के समय, हमारे छत्तीसगढ़ में केवल तीन जिले थे, एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा दुर्ग। ओके, इसके पश्चात आपको देखना है दूसरा चरण, जिला गठन का दूसरा चरण आफ्टर इंडिपेंडेंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। 1947 से लेकर के 1956 हम ये देखेंगे इस दरमियान कितने जिले बने। तो इस दरमियान जो है केवल एक बार जिला गठन किया गया 1948 में। 1948 में केवल सिंगल टाइम जो है एक बार जिला गठन किया गया। 1948 में तीन जिले बनाए गए। कितने जिले? तीन। जैसे कि ये आपका छत्तीसगढ़ है, इस क्षेत्र में ऑलरेडी अभी कितने जिले मौजूद हैं? तीन जिले मौजूद हैं। कौन कौन से? एक आपका दुर्ग, एक आपका बिलासपुर और एक रायपुर। ठीक, ओके। 1948 में समय था देसी रियासतों का। देसी रियासतों का विलीनीकरण जो है भारत में हो रहा था, तो हमारे उस समय छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे। उन 14 रियासत में एक आपका सरगुजा, दूसरा रायगढ़ और तीसरा बस्तर, इन तीनों को 1948 में जिला बनाया गया। 1948 की स्थिति में पहले तीन और अभी तीन, यानी कि छह जिले बन चुके हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर हिंदी भाषा के तर्ज पर मध्य प्रदेश एक राज्य बना और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया। तो 1 नवंबर 1956 को जब एमपी में छत्तीसगढ़ शामिल हुआ, तब की स्थिति में छत्तीसगढ़ में छह जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ओके, जिला गठन का तीसरा चरण, जिला गठन का तीसरा चरण 1956 से लेकर के 2000, यानी कि छत्तीसगढ़ का एमपी में शामिल होने से लेकर के हमारे नए राज्य के अस्तित्व तक का समय है। इस ट्रांजिशन पीरियड में एक परिवर्तन देखने को मिलता है 1973 में। दूसरा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा 1998-1998 में, और तीसरा परिवर्तन भी 1998 में ही देखने को मिलेगा। 1973 का किस्सा आइए समझते हैं। जब एमपी का गठन हुआ 1956 में, उस समय भोपाल को एमपी का राजधानी बनाया गया, आज भी है। भोपाल उस समय जो है सीहोर जिला का एक तहसील हुआ करता था। लोगों के बीच में चर्चा उठने लगी, इतने बड़े बड़े जिले और संभाग एमपी में मौजूद हैं, फिर भी भोपाल एक तहसील को राजधानी बनाया गया है। इसीलिए भोपाल को 1972 में एक जिला बनाया गया, और जैसे ही भोपाल 1972 में एक जिला बना, चर्चा होने लगी दुर्ग के सीमा में परिवर्तन करने की। दुर्ग की सीमा में परिवर्तन करते हुए 1973 में छत्तीसगढ़ का सातवां जिला बनाया गया, राजनांदगांव। इस प्रकार 1973 में सातवां जिला बना आपका राजनांदगांव। कहां से? दुर्ग से। ठीक, धीरे धीरे विकास का क्रम बढ़ने लगा। बात आई 1998 में। 1998 के पहले जो एरिया जिला बनने के योग्यता रखते थे, उन्होंने अपनी मांग बुलंद कर दी
और इसी मांग के को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जिला पुनर्गठन समिति का निर्माण किया। जिला पुनर्गठन समिति ये जो है मई 1998 में फॉर्म दिया गया, इसका स्वरूप प्रदान किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए बी.आर. दुबे को। किसको? बी.आर. दुबे। बी.आर. दुबे समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 25 मई 1998 को और इन्होंने यह बोला कि पूरे मध्य प्रदेश में आप 10 जिले बनाए, जिसमें एमपी क्षेत्र में आप 4 जिला और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 6 जिला बनाए। तो इन्होंने तो 10 जिले की सिफारिश कर दी और इसके पश्चात जो है वो क्षेत्र जो जिले बनने के काबिल थे उन्होंने भी अपने जोर से मांगों को रखा और मांगों को रखने के पश्चात दूसरा सेकंड जिला पुनर्गठन समिति बना जिसके अध्यक्ष बनाए गए सिंहदेव को, इसलिए इसको सिंहदेव समिति कहा जाता है। सिंहदेव समिति ने 1998 में ही अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 और जिले बनाने की पेशकश की। इस प्रकार जो है दुबे समिति के सिफारिश से 6 और सिंहदेव समिति के सिफारिश से 3, वो टोटल जो है 1998 में 9 जिले बने। टोटल 9 जिले बने बट 9 जिले एक साथ नहीं बने थे। बी.आर. दुबे ने 6 बोला और सिंहदेव समिति ने 3 जिले बनाने की सिफारिश की हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। इस बात को आप याद रखें, जब भी जिला से कूट वाला प्रश्न पूछेगा यह प्रश्न आ सकता है। ओके, चलिए देखते हैं वो 9 जिले कौन कौन से हैं। बात हो रही है 1998 की, 1998 की। पहले दुबे समिति को सामने रखें, उसके बाद सिंहदेव समिति को आप याद रखें। ठीक, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस समय जो है टोटल 9 जिले बनेंगे। चलिए 9 जिलों को समझते हैं कौन कौन से वो 9 जिले होंगे। ओके, पहले दुबे समिति के 6 जिलों को देखते हैं। दुबे समिति ने 1998 में सरगुजा संभाग में 2 जिले बनाए, एक आपका बना कोरिया और दूसरा बना आपका कौन सा, जसपुर। ठीक, दोनों के दोनों जो है सरगुजा संभाग में स्थित है। आप याद रखें कोरिया जो है सरगुजा से बना था और जसपुर जो है कुछ क्षेत्र सरगुजा और कुछ क्षेत्र रायगढ़ से लिए गए थे। ओके, इसके पश्चात इन्होंने जो है बिलासपुर संभाग में भी 2 जिले बनाने की पेशकश की। एक जिला इन्होंने कोरबा और दूसरा जिला इन्होंने जांजगीर चांपा। ठीक, और दुबे समिति की सिफारिश पर रायपुर संभाग में 2 जिले बने, एक जिला का नाम रखा गया महासमुंद और दूसरा जिला आपका बनाया गया कौन सा, धमतरी। ये वो 6 जिले हैं जो दुबे समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक, बात करें सिंहदेव समिति की, तो सिंहदेव समिति ने जो है 3 जिले की पेशकश की। एक जिला था दुर्ग संभाग का कवर्धा, एक जिला था बस्तर संभाग का कांकेर और एक जिला था बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा। इस प्रकार 3 जिले बने। ओके, आप याद रखें ये जो तीनों जिले हैं, दंतेवाड़ा बस्तर से बना, कांकेर बस्तर से बना। ठीक, महासमुंद धमतरी रायपुर से बने, कोरिया सरगुजा से बना, जसपुर जो है आपका रायगढ़ से और सरगुजा के कुछ क्षेत्र से। ठीक, कोरबा और जांजगीर चांपा ये बिलासपुर से बने। आप केवल अपवादों को याद रख लेना, बाकी ये मान के चलिए सभी जिले जो हैं संभाग से बने हैं, अपने संभाग से। ठीक है, कवर्धा जो है ये बिलासपुर और राजनांदगांव से बना था, आप याद रखिएगा। कवर्धा जो है बिलासपुर के कुछ क्षेत्र को लेकर और राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र को लेकर बनाया गया था। इस प्रकार जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे क्षेत्र में 16 जिले थे,
इसीलिए 16 जिलों को लेकर ही हमारा राज्य देश का 26वां राज्य बना। ओके, इसीलिए आप पढ़ते हो किताबों में लिखा होता है कि जिला गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, जितने रहेंगे उतने ही तो काउंट करोगे ना। अब देखते हैं जिला गठन का चौथा चरण। जिला गठन का चौथा चरण 2000 से 2022 के बीच में रहेगा। 2000 से 2022 के बीच में एक आप याद रखेंगे 2003 2003, एक याद रखेंगे आप 2007 2007, एक याद रखेंगे आप 2011 12, एक याद रखेंगे आप 2019 20, एक याद रखेंगे आप 2021 और एक याद रखेंगे 2022। इतने आपको पढ़ने हैं जिला गठन के लास्ट स्टेज। 2003 तो आप याद रखें तीन जिला नहीं बना था, तीन जिलों के नाम को बदला गया 2003 में। जैसे कि ये आपका बस्तर संभाग है, ये नीचे में है दंतेवाड़ा, उस समय सुकमा इसमें इंक्लूड था, ऊपर में है आपका कांकेर और बीच में ये है आमचो बस्तर। ओके, बस्तर के साउथ में दंतेवाड़ा एंड नॉर्थ में कांकेर, इसलिए कांकेर का नाम रख दिया गया नॉर्थ बस्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा का नाम रख दिया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये दो जिलों का नाम रख दिया, रटना नहीं है ना। दंतेवाड़ा दक्षिण में था, बस्तर से बना था, इसलिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। कांकेर बस्तर के उत्तर में था, बस्तर से बना, इसलिए उत्तर बस्तर कांकेर। ओके, इसके पश्चात ये तो तीसरा आप याद रखिए कवर्धा। कवर्धा जिला का नाम रखा गया कबीरधाम। कब की बात है ये? 2003 2003। 2007 में देखें 2007, तो 2007 में आप एक लाइन याद रख लो, कसम से याद हो जाएगा। ओके, 2007 में आप याद रखें दंतेवाड़ा से बीजापुर बना। सर ये तो एक ही जिला बनते हुए दिख रहा है, बता रहा हूं ना। पहला दंतेवाड़ा की सीमा में परिवर्तन करते हुए बीजापुर बनाया गया। ओके, बना से याद रखना बस्तर से नारायणपुर। कब? 2007 मई 2007 में दो जिले बने, बीजापुर फ्रॉम दंतेवाड़ा एंड नारायणपुर फ्रॉम बस्तर। ओके, इस प्रकार 2007 में 18 जिले हो गए। ठीक, ओके, बात आई 2011 और 12 की। 2011 में हम 15 अगस्त मना रहे थे। क्या मना रहे थे? 15 अगस्त। 15 अगस्त 2011 को डॉक्टर रमन सिंह घोषणा करते हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में 9 जिले बनाए जाएंगे। कितने जिले? 9 जिले। उन जिलों के नाम को सुनते ही आपके में एक प्रसन्नता की भावना दौड़ने लगेगी। चलिए देखते हैं वो 9 जिले कौन कौन से थे। तो जैसे कि ये हमारा अगेन आपका छत्तीसगढ़, 9 जिले आपको देखना है। 15 अगस्त 2011 को अनाउंसमेंट हुआ। ओके, जनवरी 2012 से जिले बनने शुरू हो गए। ये आपका सरगुजा, नीचे में बस्तर, ये बिलासपुर और ये रायपुर और दुर्ग। आपको जो है 2012 में 2 का पहाड़ा पढ़ना है। कितने का? 2। 2012 में बस्तर संभाग में 2 जिले बने। कितने? 2। दंतेवाड़ा से
सुकमा क्षेत्र को अलग करके एक जिला बनाया गया और बस्तर के ऊपर में कोंडागांव एक नया जिला बना बस्तर से। दो, 2012 में दुर्ग संभाग की बात करूं मैं तो दुर्ग में दो जिले बनाए गए, बोला हूं ना दो का पहाड़ा पड़ना है, दुर्ग से ऊपर बेमेतरा और दुर्ग से नीचे बालोद। ठीक, कहां से? दुर्ग से। रायपुर में आप याद रखें, रायपुर से ऊपर बलौदा बाजार और इस साइड आपका गरिया बने, दोनों रायपुर से बने। रही बात सरगुजा संभाग में, भी दो जिले बने, एक सरगुजा से बना सूरजपुर और सरगुजा से बना बलरामपुर, चारों संभाग में दो दो जिले। बच गया हमारा बिलासपुर, तो बिलासपुर से एक जिला बना जिसे आप आज मुंगेली के रूप में जानते हैं। ठीक, ओके, तो 27 जिले बने थे, 27। इसके पश्चात जो है बिलासपुर के ऊपरी क्षेत्र में तीन विकास खंड, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, इन तीनों को एक करते हुए राज्य का 28वां जिला बनाया गया। 15 अगस्त 2019 को अनाउंसमेंट हुआ, 15 अगस्त 2019 को अनाउंसमेंट, और 10 फरवरी 2020 को राज्य का 28वां जिला बन गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसके पश्चात फिर अगेन 15 अगस्त 2021 आया रे, 15 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में और नए चार जिले बनेंगे। कितने? चार। कोरिया से बनाया गया मनेंद्रगढ़, अनाउंसमेंट हो चुका है, बनने की प्रक्रिया जारी है। ठीक, जांजगीर चांपा से बना आपका शक्ति, रायगढ़ से बनाया गया सारंगढ़, और राजनंदगांव के निचले हिस्से में मोहला मानपुर। 15 अगस्त 2021 को यह अनाउंसमेंट हो गया है। धीरे से इन जिलों के बनने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है, जल्द ही इसके बनाने के डेट भी घोषित हो जाएंगे, आपको जल्द ही में जैसे ही घोषित हुए अपडेट कर दूंगा। ठीक, और अभी जब खैरागढ़ में विधायक का उपचुनाव हुआ तो उस समय खैरागढ़ को राज्य का 33वां जिला बनाने का कवायद शुरू कर दिया गया। ठीक, इस प्रकार अभी वर्तमान की स्थिति में 33 जिले हैं जिसमें 28 बन चुके हैं, 5 प्रोसेसिंग में हैं। कल की क्लास में जो है हम छत्तीसगढ़ के जिलों को देखेंगे जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आकांक्षी जिला, आपको पढ़ना होगा अनुसूचित जिला, सीमावर्ती जिले, भू आवेशित जिले, इन सभी जिलों को हम कल देखेंगे। एकदम बेहद आसान ट्रिक के साथ ये जिला आपको जो है चंद चुटकी में याद हो जाएगा। धन्यवाद।